नमस्कार, आप देख रहे हैं पांच पगना खबर। मैं हूं जगतपाल। आज तमाड़ विधानसभा के इस राइडी चौक पे सीपीआईएम की एक ऑफिस खुली है, जिसमें तमाड़ विधानसभा से पहली बार सीपीआईएम की ओर से डॉक्टर कॉमरेड सुरेश मुंडा जी मैदान पे उतरे हैं। और कहीं ना कहीं सीपीआईएम एक ऐसी आवाज़ है जो गरीब दबे कुचली की आवाज़ है, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पहली बार तमाड़ विधानसभा से इन्होंने अपना चुनावी दौर शुरू किया है। और कहीं ना कहीं दबों की आवाज़, कुचलों की आवाज़ और उनकी आवाज़ को सदन तक पहुंचाने का ये काम करेंगे। आज हम उन्हीं के बीच में हैं, उनसे विचार साझा करेंगे। कॉमरेड सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुद्दा किन किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं? पहला मुद्दा तो चूँकि ये तमाड़ विधानसभा जो क्षेत्र है, ये बहुत ही शिथिल और बहुत ही गरीबी क्षेत्र है। यहाँ के लोग जो है अपना जीवन बसर के लिए एक खेती से निर्भर है, दूसरा जंगल से निर्भर है। और चूँकि यहाँ पर का जो व्यवस्था है, यहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो चाहे स्वास्थ्य का व्यवस्था हो, और जो सरकारी जो मुख्यालय है, वो जहाँ भी ब्लॉक वगैरह हो चाहे अनुमंडल हो, यहाँ के आम जनता गरीब का कभी भी जो परेशान में जो हैं उन लोगों का काम नहीं होता है। मुंडा जी, बात बिल्कुल सही है। कहीं ना कहीं आज आपके सामने दो बड़े दिग्गज कह सकते हैं, एक भूतपूर्व मंत्री सह विधायक रहे, अभी वर्तमान में विधायक हैं, उनके सामने आप खुद को किस रूप में आंकते हैं? देखिए, हम लोग का इसमें आकलन का कोई मामला नहीं है, क्योंकि सीपीएम पहले से संघर्ष में रहा है और अभी भी संघर्ष में है। इसलिए सीपीएम के लिए किस आंकने वाला कोई मामला नहीं है। हम लोग पहले भी दमखम के साथ आंदोलन किए हैं, हर मामले में आंदोलन किए हैं, क्योंकि हम लोग आंदोलनकारी पार्टी हैं। हम लोग कोई चुनावी पार्टी नहीं है कि आज विधानसभा चुनाव हो रहा है तो कौन कमज़ोर कौन क्या है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ज़रूरत पड़े तो बगैर विधायक रहे हुए भी हम लोग आंदोलन करके जो है अपना मांग को मनवा सकते हैं, ये ताकत रखता है सीपीएम। जनरली ऐसा होता है सामान्य तौर से कि जो भी नेता होते हैं आश्वासन पे अपना गेम करते रहते हैं, क्या सीपीआईएम इसी प्रकार की चीज़ें अपनाएगी? नहीं, सीपीएम कभी आश्वासन पर ये नहीं करता है। सीपीएम का लाइन है कि जिन जनमुद्दा को सवाल को लेकर के जिसके साथ परेशानी होता है, वैसे लोगों के साथ हम लोग संगठन बना करके, सबका राय लेकर के, एक निर्णय लेकर के हम लोग आंदोलन का रूपरेखा तैयार करके आंदोलन हम लोग उतरते हैं। लाइन ये है। कहीं ना कहीं मुंडा जी, ये भी बात है, अभी पिछले लगभग जितने समय से आप क्षेत्र में रहे हैं, किन किन विषय को लगता है कि सबसे ज़्यादा लोगों के बीच में सुनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है? ये सारी समस्याएँ हैं, जनता के बीच में हमेशा जाते हैं, तो किन मुद्दों पर जनता सबसे ज़्यादा आपके बीच में अपनी बात रखती है? देखिए, जनता पहला चीज़ जो बात रखता है कि देखिए, हम ब्लॉक गए, हमारा ज़मीन का जो ऑनलाइन मामला है, कर्मचारी और सीईओ जो है मेरा काम को नहीं करता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा आम तौर पर जो है सभी रैयत लोग को जो है ये परेशानी है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है, जब हॉस्पिटल में जो कोई बीमार पड़ते हैं, लोगों का इलाज का कोई व्यवस्था जो है यहाँ पर नहीं है। ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन गया अनुमंडल हॉस्पिटल आपका बुंडू में, लेकिन वहाँ जो व्यवस्था होना चाहिए आम जनता गरीब के लिए, वो व्यवस्था वहाँ उपलब्ध नहीं है, सीधे रेफर रांची कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है, जब सरकार जो यहाँ झारखंड का सरकार है, कहने के लिए धनी राज्य है, 40% अकेले धनी संपत्ति यहाँ हमारे राज्य के अंदर में है, लेकिन धनी राज्य रहते हुए जो व्यवस्था का जो स्थिति है, सबसे बहुत खराब स्थिति में है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है ये सीपीएम पार्टी के लिए, और इस सवाल को लेकर के हम लोग कई बार आंदोलन मुखर होकर आंदोलन भी किए हैं। इस सवाल को लेकर के ब्लॉक में प्रदर्शन करना, अनुमंडल में प्रदर्शन करना, जिला मुख्यालय में प्रदर्शन करना, लगातार लड़ाई हमारा जारी है। और भी सुनने को मिलता है। देखिए, अभी धान क्रय केंद्र भी अभी जो कि धान फसल होने वाला है, अब कुछ दिन में धान कटाई शुरू हो जाएगा। धान का जो सही मूल्य जो किसान को मिलना चाहिए, वो भी जो है नहीं मिल पाता है। पिछले बार भी हम लोग इस सवाल को लेकर के अनुमंडल का घेराव किए थे हम लोग, कि भाई यहाँ का जो किसान को जो सही दाम है
धान का वो मिलना चाहिए, क्योंकि धान क्रय केंद्र जो है सरकार खोल करके जो है किसान को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन क्या है कि उसमें बिचौलिया आकर के जो है कम लागत में जो है धान को खरीद के ले जाता है, जिसके चलते जो है किसान का जो है जो मुनाफा सही मुनाफा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। अगर बहुत बड़ा मुद्दा अगर मुंडा साहब अगर तमाड़ की जनता अगर आपको जनादेश देती है, तमाड़ की जनता अगर आपके सामने अपने जनादेश पेश करती है, तो आप किन किन मुद्दों को लेकर के पूरी तरीके से क्योर करना चाहेंगे तमाड़ की जनता को, जनताओं के जनता का? देखिए, पहला तो हमारा मुद्दा है यहाँ पर, चूँकि गलत यहाँ हो रहा है, गलत कहने का मतलब अभी देख लीजिए कि पूरे रांची शहर में बालू का सबसे ज़्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची शहर हो चाहे बुंडू शहर हो चाहे अन्य इलाके में, आज बालू का दाम इतना क्यों बढ़ा, क्या कारण है? क्योंकि जब भी यहाँ के लोग खास करके स्थानीय जो विधायक हैं वो कभी भी इस सवाल को लेकर के आम जनता को राहत को लेकर के कभी उन्हें बात उठाया नहीं, जनता को राहत कभी नहीं मिला, हर मामले में नहीं मिला, या स्वास्थ्य का मामले में हो, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे महंगाई के मामले में हो, या बालू का क्यों ना मामले में हो, या भूमि बैंक पट्टा जो गरीब को मिलना चाहिए इसका मामला हो, ये कभी भी यहाँ की जनता को राहत नहीं मिला। तो CPM पार्टी जो है तमाम मुद्दा को लेकर के जो है आम जनता को जो है कैसे राहत मिले इसका लड़ाई जो है हम CPM पार्टी हम लोग इसको लड़ेंगे। ये थे हमारे बीच में तमाड़ विधानसभा से CPIM के प्रत्याशी कॉमरेड सुरेश मुंडा जी, जो अपनी बातों को रख रहे थे। और कहीं ना कहीं चुनावी मैदान जो दंगल चल रही है यहाँ पर एक से बढ़कर एक कद्दावर नेता भी हैं, और आज हमारी बातें हो रही थी, अपनी बात विचारों को साझा कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को।